أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم प्यारे बच्चों इस्लामियात लेक्चर नंबर 63 का आगाज करते हैं। अपनी किताबें निकालें इस्लामियात की और सफ़ा नंबर 11 खोलें। बच्चे आपको याद होगा कि सफ़ा नंबर 10 पर हमने सूरह इख़लास में तर्जुमा की तिलावत की थी इससे पहले वाले लेक्चर में। अभी हम इसका सफ़ा नंबर 11 पर उसकी शान नज़ूल पढ़ेंगे। शान नज़ूल से मुराद ये है कि यह सूरत क्यों नाजिल हुई, ठीक है, और इस सूरत में क्या क्या बातें बताई गई हैं, और उसके साथ साथ हम आज इसके अल्फाज मानी पढ़ेंगे और याद करेंगे, ठीक है। शान नज़ूल की तरफ देखें, सूरह इख़लास मक्की सूरत है। इसमें बताया गया है कि अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं। जैसे हमने पढ़ा, मैं आपको दिखाती हूँ, कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। इस सूरत में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि अल्लाह एक है, ठीक है, कि काफिरों और जो मुशरिकीन थे, जो अल्लाह ताला के इनकारी थे, तो हुजूर पाक सल्लम से बार बार पूछते थे आगे देखें तो कि बताओ कि अल्लाह कौन है, तो ये उसके जवाब में अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई है। इस सूरत में तौहीद की दावत दी गई है, ठीक है। तौहीद यानी अल्लाह ताला को एक मानना, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने इस सूरत में खुद फरमाया है कि अल्लाह एक है, अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है। प्यारे बच्चों, मक्का के यहूदी और काफिर हर बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते कि बताओ अल्लाह कौन है। जो अल्लाह ताला के ना मानने वाले लोग थे, जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल नहीं मानते थे, जो अल्लाह को नहीं मानते थे और जो बुतों की इबादत करते थे, पूजा करते थे, ठीक है, तो वो बार बार जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें तौहीद की दावत देते थे, अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाते थे कि आप लोग ये सब छोड़ दें, ये गलत है, और एक अल्लाह की इबादत शुरू करें, अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है, तो वो आपको तंग करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार पूछते थे कि ये बताओ कि जो आप हमें कहते हैं कि अल्लाह एक है, तो अल्लाह कौन है। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई, ठीक है। इस सवाल के जवाब में जो काफिर और यहूदी बार बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे कि बताओ अल्लाह कौन है, तो इस सवाल के जवाब में अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि इन यहूदियों को बताएं कि अल्लाह एक है और अल्लाह सबसे बेनियाज है, अल्लाह ताला को किसी की कोई परवाह नहीं है, ठीक है। चाहे कोई उसकी इबादत करे, चाहे इबादत ना करे, करे तो अपना फ़ायदा है, ना करे तो उसका अपना नुकसान है, ठीक है। अल्लाह ताला को किसी चीज़ की, किसी इंसान की कोई परवाह नहीं है, अल्लाह ताला को किसी ने पैदा नहीं किया। इस सूरत में ये भी बताया गया है कि अल्लाह को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अल्लाह ताला बेनियाज है, अल्लाह ताला को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह से अल्लाह ताला हर तरह से बेनियाज है, ठीक है, बेपरवाह है। तो इन यहूदियों को हुजूर पाक सल्लम ये अल्लाह ताला ने इस सूरत में बताया कि आप यहूदियों को इस तरह जवाब दें कि अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला को किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें। अल्लाह का कोई बेटा या बेटी नहीं है, जैसी सूरत में हमने पढ़ा लम यलिद व लम यूलद, अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं और ना अल्लाह ताला खुद किसी की औलाद है, ठीक है, ना अल्लाह की कोई औलाद है, ना अल्लाह की वालदैन है। अल्लाह का कोई बेटा या बेटी नहीं है, वो अकेला है और कोई इसके बराबर नहीं है, अल्लाह ताला की बराबरी करने वाला भी कोई नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा, ठीक है, हमारा ये अकीदा है, हमारा ये ईमान है, ठीक है। तौहीद में हमने पढ़ा, अगर आपको याद हो शुरू वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था अकायद में तौहीद कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है, अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जब सारी चीज़ें, सारी दुनिया, सारी कायनात, हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तब अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, और जब कुछ भी नहीं था, ठीक है, तब भी अल्लाह की ज़ात मौजूद थी। तो हमारा ये ईमान है, ठीक है, और इस सूरत में हमें वाज़ह तौर पे बताया गया है, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, ना उसे किसी की ज़रूरत है, अल्लाह बेनियाज है और उसके ना कोई औलाद है और ना अल्लाह ताला की वालदैन है, ठीक है। अल्लाह ताला ना किसी की औलाद है और ना अल्लाह की कोई औलाद है, ठीक है। तो हमें इस बात पर पक्का यकीन, हमारा ईमान है, तमाम मुसलमानों का ये ईमान है, ठीक है। इसलिए हमें हर तरह की शिर्क से बचना चाहिए। शिर्क का मतलब है अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना, ठीक है। अब इसके अल्फाज मानी देखें, अल्फाज मानी है कुल, कह दीजिए, अहदुन एक, समद बेनियाज, यूलद
यूलद औलाद, कुफुवन हमसर या बराबर। ठीक है, दोबारा देखिए, कुल कह दीजिए, अहदुन एक, समद बिनियास, यूलद औलाद, कुफुवन हमसर या बराबर। इसका तर्जुमा हमने पढ़ा है, आपको थोड़ा बहुत याद होगा, फिर भी मैं आपके साथ याद करती हूँ। अल्फाज माने कुल कह दीजिए, कुल कह दीजिए, सूरत में हमने पढ़ा है स्टार्ट में, कुल हुवल्लाह वहाद, आप कह दीजिए, मैंने आपको कहा था इसका मतलब है कुल, कुल का मतलब क्या है, कह दीजिए। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप कह दीजिए, किन से, इन काफिरों से, इन यहूदियों से, इनको बता दीजिए। अहदुन एक, अहदुन एक, समद असमद, असमद बेनियाज, यूलद औलाद, यूलद औलाद, औलाद का मतलब क्या है, बच्चे, बेटा बेटी, यूलद औलाद बच्चे। कुफुवन हमसर या बराबर, हमसर का मतलब है बराबर, हम पल्ला। ठीक है, दोबारा देखिए, कुल कह दीजिए, कुल कह दीजिए, अहदुन एक, असमद बेनियाज, यूलद औलाद, कुफुवन हमसर या बराबर। इसका शान नज़ूल दोबारा देखिए, शान नज़ूल सूरह इख़लास मक्की सूरत है, सूरत लफ्ज़ टी कर ले, ये सीन से है, अच्छा सूरत लफ्ज़ सीन से है, स्वाद वाली सूरत का मतलब शक्ल है। सूरह इख़लास मक्की सूरत है, इसमें बताया गया है कि अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं। इस सूरत में तौहीद की दावत दी गई है। प्यारे बच्चों, मक्का के यहूदी और काफिर हर बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते कि बताओ अल्लाह कौन है। इसके जवाब में अल्लाह ने यह सूरत नाजिल फरमाई और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि इन यहूदियों को बताएं कि अल्लाह एक है, अल्लाह सबसे बेनियाज है, बेनियाज बेपरवाह, अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया, अल्लाह ताला को किसी ने पैदा नहीं किया। इस सूरत में ये भी बताया गया है कि अल्लाह ताला को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस सूरत में ये भी बताया, अच्छा इसके साथ यह लगाएं, बताया। इस सूरत में ये भी बताया गया है कि अल्लाह को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला को किसी की मदद की, किसी की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला जब किसी काम का इरादा करते हैं, अल्लाह ताला की शान देखें बच्चों, कि अल्लाह ताला जब किसी काम का इरादा करते हैं, ये दुनिया के जितने भी काम हो रहे हैं, बड़े बड़े काम, ठीक है, छोटे काम, तो अल्लाह ताला जब किसी काम का इरादा करता है तो अल्लाह ताला कहते हैं कुन, ठीक है, लफ्ज है कुन, जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कुन, तो कुरान मजीद में है फयकून, उसी वक्त वो काम हो जाता है। कुन फयकून, जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं हो जा, फयकून उसी वक्त, फौरन पलक झपकने में, एक लम्हे में वो काम हो जाता है। इन्हें अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला ने जो इतने बड़े बड़े पहाड़ बनाए हैं, इतनी बड़ी कायनात बनाई है, अल्लाह ताला ने जो दरिया बनाए हैं, समंदरों में इतना पानी है, ठीक है, इतने सारे इंसान हैं, इतनी सारी मखलूकात है, इन सबको रिज़क पहुँचाना, इनके हर एक चीज़ जो है अल्लाह ताला के हुक्म से हो रही है। इस कायनात में हर चीज़ जो है अल्लाह के हुक्म से, हर काम जो है अल्लाह के हुक्म से, ठीक है ना। इवन कि हम अपने मामूली सा जो काम है हमारा, ठीक है, अगर अल्लाह का हुक्म ना हो तो हम अपने हाथ पांव भी नहीं चला सकते, अगर अल्लाह का हुक्म ना हो तो हम अपनी आँख भी नहीं झपका सकते, मामूली सा काम है ना। तो अल्लाह ताला जो बड़े बड़े काम हैं, बड़े से बड़े और मामूली से मामूली काम जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से हो रहे हैं, अल्लाह ताला को इसके लिए किसी चीज़ की, किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह ताला जब किसी काम का इरादा फरमाते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं कुन और फयकून, ये खुद अल्लाह का, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुन फयकून, जैसे ही अल्लाह ताला कहते हैं कुन हो जा, फयकून वो काम हो जाता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला की शान बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, ठीक है, और हर काम के लिए अल्लाह ताला की ज़ात काफ़ी है, अल्लाह ताला को किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला काफ़ी है हर हर अपनी ज़ात में, ठीक है। इस सूरत में ये भी बताया गया है कि अल्लाह ताला को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें,
अल्लाह का कोई बेटा या बेटी नहीं है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है, अल्लाह ताला हमें और हमेशा रहेगा। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा पढ़ें। शान नज़ूल सूरह इख़लास मक्की सूरत है, यानी मक्का में नाजिल हुई। हज़रत मूसा सलाम ने ज़िंदगी का कुछ अरसा जो था मक्का में गुजारा था, और ज़िंदगी कुछ साल जो थे वो मदीना में गुजारे थे। ठीक है, हिजरत करके मदीना गए थे, उनका अपना शहर जो था वो मक्का था, जिसमें बैतुल्ला शरीफ है, ठीक है, खाना काबा मौजूद है। लेकिन जब काफिरों के मजालिम हद से बढ़ गए, फिर अल्लाह के हुक्म से अल्लाह हज़रत मूसा सलाम ने मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई, और फिर 8 साल तकरीबन वहाँ रहे। ठीक है, तो आप सल्लम पर जो सूरत मक्का मकरमा में नाजिल हुई वो मक्की सूरतें हैं, और जो मदीना में नाजिल हुई वो मदनी सूरतें हैं। सूरह इख़लास मक्की सूरत है, यानी मक्का में नाजिल हुई है। इसमें बताया गया है कि अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं। इस सूरत में तौहीद की दावत दी गई है। तौहीद का मतलब है अल्लाह को एक मानना। प्यारे बच्चों, मक्का की यहूदी और काफिर हर बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते कि बताओ अल्लाह कौन है। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने यह सूरत नाजिल फरमाई, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि इन यहूदियों को बताएं कि अल्लाह एक है और अल्लाह सबसे बेनियाज है। अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला को किसी ने पैदा नहीं किया। ठीक है, अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया। इस सूरत में यह भी बताया गया है कि अल्लाह ताला को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें। अल्लाह का कोई बेटा या बेटी नहीं है, जैसे बाज़ मज़ाहिब के लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की औलाद है, नऊज़ बिल्लाह, तो ये सारा गलत है। या फरिश्तों को अल्लाह की औलाद समझते हैं, तो ये सारा झूठ है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया लम यलिद व लम यूलद, अल्लाह की कोई औलाद नहीं, ना वो किसी की औलाद है, वो अकेला है और कोई इसके बराबर नहीं है। ज़ात सिफात में कोई बराबरी करने वाला नहीं है। अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा। यकीनन आपको इस सूरत की शान नज़ूल की समझ आ गई होगी। इसके अल्फाज बानी दोबारा मैं रिवाइज करवाती हूँ, आपको होमवर्क में मिलेगा, आप उसको अच्छी तरह याद करेंगे। ठीक है, कुल कह दीजिए, अहदुन एक, अस्समदु बेनियाज, यूलद औलाद, कुफुवन हमसर या बराबर। कुल कह दीजिए, अहदुन अहदुन एक, अस्समद बेनियाज, यूलद औलाद, कुफुवन हमसर या बराबर। दोबारा देखें, कुल कह दीजिए, अहदुन एक, अस्समद बेनियाज, यूलद औलाद, कुफुवन हमसर या बराबर। आपका घर का काम मैं भी दे रही हूँ, इसके साथ आपका ये भी है कि नीचे जो आपको लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लफ्ज़ अल्लाह में आपने खूबसूरत रंग भरने हैं। ठीक है, प्यारा प्यारा इसको कलर करना है, और इसके साथ अपना आज का होमवर्क नोट करें। आज आपका घर का काम है सफ़ा नंबर 11 से अल्फाज मानी ज़बानी याद करें, किताब सफ़ा नंबर 11 से अल्फाज मानी याद करें इस्लामियात में। ठीक है, ये देखिए, ये 5 अल्फाज मानी हैं, ये आप लोगों ने अच्छी तरह अल्फाज और उसकी उर्दू मानी अच्छी तरह याद करनी है। ठीक है।